Hey, hello everyone. Welcome back to my channel, Messed Up. मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे होममेड कैनवस बोर्ड बनाना, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। और उसके साथ ही हम करेंगे ये ब्यूटीफुल सी राजस्थानी आर्ट पेंटिंग। और लास्ट में हम सीखेंगे हम अपनी पेंटिंग्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें वॉल पर हैंग करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें। तो अब चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। कैनवस बोर्ड बनाने के लिए मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड का पीस। आप किसी भी शेप और साइज में ये कार्डबोर्ड पीस ले सकते हैं और आपको बस ये ध्यान रखना है कि कार्डबोर्ड थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लिमजी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने लिया है ये बक्रम शीट। ये आपको किसी भी टेलर शॉप में या किसी भी बटन स्टोर में आराम से मिल जाएगा। ये 20-30 रुपीज़ पर मीटर में आती है और हमें अपना कैनवस बनाने के लिए इसका बहुत ही छोटा पीस लगेगा। सबसे पहले हम अपना कार्डबोर्ड पीस इस तरह रख कर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अराउंड 2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक सर्कल और ड्रॉ करके इस तरह कट कर लेंगे। इसे हम रैप करेंगे अपने कार्डबोर्ड पीस के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ फेविकॉल लगा लिया है। फेविकॉल लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बिल्कुल भी लम्ब्स ना हो और बहुत ही इवनली आपका जो फेविकॉल है वो स्प्रेड हो। फेविकॉल को हम इस तरह किसी भी कार्ड की हेल्प से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद इस कार्डबोर्ड को हम अपनी बक्रम शीट पर स्टिक कर देंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। उसके बाद हम सीजर की हेल्प से इस तरह कट लगाएंगे। आप यहाँ जितने छोटे कट्स लगाएंगे उतना ही अच्छा फिनिश आएगा आपके कैनवस बोर्ड के एजेस पर। तो यहाँ मैंने सारे कट्स लगा लिए हैं। उसके बाद 1 by 1 हम इन्हें कैनवस बोर्ड के ऊपर स्टिक करेंगे। स्टिक करते वक्त आपको इन्हें थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहाँ स्टिक करना है और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए आप स्टिक करेंगे तो आपकी सारी एजेस अच्छे से कवर हो जाएंगी। इस तरह हमने अपने पूरे बक्रम को यहाँ अच्छे से स्टिक कर लिया है। उसके बाद मैंने एक वाइट पेपर राउंड कट करके इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। और हमारा बजट फ्रेंडली कैनवस बोर्ड बनकर रेडी हो गया है। आप इस तरह के कैनवस बोर्ड्स पर एक्रेलिक कलर पेंटिंग या पोस्टर कलर पेंटिंग्स आसानी से कर सकते हैं। मार्केट में आपको इस तरह के कैनवस बोर्ड थोड़े से प्राइसी मिलेंगे, पर आप घर पर इस तरह से कैनवस बोर्ड बनाकर अपनी पेंटिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्किल्स को और अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं। आप इस कैनवस बोर्ड पर डायरेक्टली पेंटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर एक लेयर जेसो का अप्लाई करने के बाद भी पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही तरीके हैं। तो चलिए अपने कैनवस बोर्ड को टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने इस कैनवस बोर्ड पर एक राजस्थानी आर्ट बनाई है जिसे हम जानते हैं बनी ठनी के नाम से। यहाँ मैंने अपने डिज़ाइन को ट्रेस कर लिया है और जो भी पार्ट यहाँ ट्रेसिंग में छूट गया है उसे मैं पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पेंसिल से डिज़ाइन बनाने के बाद हम यहाँ पेंट अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बैकग्राउंड में पेंट कर रही हूँ। पेंट करने के लिए यहाँ मैंने फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है। जब भी आप किसी बड़े एरिया में पेंट कर रहे हैं तो आप हमेशा फ्लैट ब्रश का यूज़ करें, उससे आपके ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो बहुत ही मिनिमल आते हैं और बहुत अच्छे से कलर्स भी ब्लेंड हो पाते हैं। मैंने यहाँ सैप ग्रीन कलर यूज़ करते हुए बैकग्राउंड पेंट कर लिया है। यहाँ मैंने राउंड ब्रश नंबर 4 यूज़ किया है, उसकी हेल्प से मैं यहाँ फ्लश टिंट कलर को अप्लाई कर रही हूँ। एक्रेलिक पेंटिंग में आपको कलर की कंसिस्टेंसी का भी ध्यान रखना है। ज़्यादा पतली होने पर आपका जो कलर है वो उतना वाइब्रेंट नहीं आएगा और बहुत ही थिन लेयर उसकी आएगी, और कंसिस्टेंसी थिक होने पर आपके यहाँ ब्रश के स्ट्रोक्स नज़र आ सकते हैं जिससे आपकी पेंटिंग का फिनिश उतना अच्छा नहीं आएगा।
तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको यहाँ मीडियम कंसिस्टेंसी के पेंट्स को यूज़ करना है। कलर की कंसिस्टेंसी चेंज करने के लिए आप मीडियम्स की हेल्प ले सकते हैं या सिंपली आप पानी मिलाकर इसे ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर ड्राई हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर शेडोज़ और हाइलाइट्स क्रिएट करेंगे, जिसके लिए सेम कलर में मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड किया है शेडोज़ के लिए और थोड़ा सा वाइट ऐड करके मैंने उसे ब्राइट कर लिया है, जिससे हम यहाँ पर हाइलाइट्स बनाएंगे। उसके बाद ब्लैक पेंट यूज़ करते हुए मैं यहाँ बालों को पेंट कर रही हूँ। उसके बाद जूड़े पे लगे फ्लावर को भी हम यहाँ पेंट कर लेंगे, जिसके लिए मैंने सेंटर पर डार्क रेड यूज़ किया है और आउटर साइड पे मैंने थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ किया है। और इस तरफ एक लोटस का फ्लावर है, जिसे हम लेयर बाय लेयर यहाँ पेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बिल्कुल लाइट पिंक कलर से यहाँ पेंट किया है, ऑलमोस्ट वाइट ही है ये। तो फर्स्ट लेयर को हम यहाँ ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, तब तक मैं इनकी ड्रेस में पेंट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने काफ़ी ब्राइट कलर चूज़ किया है, आप अपनी मर्ज़ी के कलर यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा वार्मथ ऐड करने के लिए मैंने येलो कलर का यूज़ किया है और उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। लोटस का यहाँ फर्स्ट लेयर ड्राई हो गया है, उसके बाद मैंने यहाँ बेबी पिंक कलर से इस तरह से शेडिंग की है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक यूज़ करते हुए इस तरह से शेडिंग की है और लास्ट में स्टेम में पेंट करने के लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया है। उसके बाद हम इनके फेस के और फीचर्स की डिटेलिंग कर लेंगे, जिसके लिए मैं ये ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फाइन ब्रशेस को यूज़ करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पे कोई भी वाटरप्रूफ पेन यूज़ कर सकते हैं या आप यहाँ पर परमानेंट मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करते हुए हम अपनी पेंटिंग को यहाँ कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं अपनी पेंटिंग के बारे में, तो ये एक राजस्थानी आर्ट फॉर्म है जिसे बनी ठनी के नाम से जाना जाता है। बनी ठनी का अर्थ होता है सजी सवरी। ये बहुत ही सुंदर कहानी है एक राजा और दासी के प्रेम की। तो आप इस कहानी के बारे में और जान सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। ज्वेलरी पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ ग्रे कलर से इन्हें पहले पेंट कर लिया है। ज्वेलरी को मैं यहाँ थोड़ा सा ऑक्साइड लुक देने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ ग्रे कलर से बेस पेंट कर लिया है। कुछ जगह पर डार्कर और कुछ जगह पर लाइटर ग्रे यूज़ करते हुए मैंने पेंट किया है। ड्राई होने के बाद मैंने इनके ऊपर पेंसिल से थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैं ये गोल्ड मेटालिक पेंट यूज़ करके इनकी ज्वेलरी कम्प्लीट करूँगी। उसके बाद मैंने लिए हैं ये पर्ल स्टिकर्स, जिसमें से कुछ पर्ल्स मैंने यहाँ पर स्टिक किए हैं, पर मैंने अभी ये टेम्परेरीली यहाँ पर स्टिक किया है, इन्हें फाइनली हम ग्लू की हेल्प से स्टिक करेंगे। अगर आपके पास ये गोल्डन कलर नहीं है तो आप फैब्रिकल के गोल्डन कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको उसे भी यूज़ करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आप यहाँ पर गोल्डन या कोई भी मेटालिक मार्कर यूज़ करके भी ये पार्ट कम्प्लीट कर सकते हैं। उसके बाद एक डॉटिंग टूल की हेल्प से मैंने इस तरह छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट किए हैं। आप इस डॉटिंग टूल की जगह पर किसी भी पेंसिल का या पेन का टिप यूज़ कर सकते हैं और बड़े डॉट्स के लिए आप किसी भी ब्रश का टिप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक फाइन लाइनर की हेल्प से मैं यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। ये सिग्मा माइक्रोन पेन्स हैं, इनमें काफ़ी सारी वैरायटी की टिप्स आती हैं। इन्हें मैंने अमेजोन से परचेज किया था, इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत बारीक काम है वो आप इन पेन
की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये पेन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई भी ब्लैक वाटरप्रूफ पेन यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़े से हाइलाइट्स ऐड करने के लिए मैं वाइट पेन यूज़ कर रही हूँ। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। सेम वे में इनकी ड्रेस पर और हेड ज्वेलरी पर भी मैंने डॉट्स बनाते हुए अपना डिज़ाइन कंप्लीट किया है। हमारी बनी ठनी पेंटिंग बनकर रेडी हो गई है। इस तरह की ट्रेडिशनल पेंटिंग्स मैंने पहले कभी नहीं ट्राई की थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और इसका आउटकम मुझे इतना पसंद आया है, मैं फ्यूचर में भी इस तरह की पेंटिंग्स ट्राई करती रहूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपको ये पेंटिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अब बात करते हैं अपनी पेंटिंग को हम कैसे प्रोटेक्टेड और लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ ग्लॉस वार्निश यूज़ कर रही हूँ। ये छोटी सी बॉटल आपको 250 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम अपनी पेंटिंग को बहुत अच्छे से ड्राई हो जाने देंगे और उसके बाद हम इस पर वार्निश अप्लाई करेंगे। तो वार्निश अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा फ्लैट ब्रश लेना है, आप किसी भी बड़े नंबर का फ्लैट ब्रश ले लें। अगर आप पेंटिंग्स करते हैं तो आप एक अच्छी वार्निश में ज़रूर इन्वेस्ट कर लें। आप इस वार्निश को लिटिल बर्डी के वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपनी परचेज में 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन MESSEDUP5 भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी एक डायरेक्शन सिलेक्ट कर लें और उसी डायरेक्शन में अपने ब्रश को चलाएं। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा मिल्की लगता है पर ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ जो पर्ल स्टिकर्स थे उन्हें मैंने वार्निश से पहले हटा लिया था ताकि मेरा वार्निश अच्छे से यहाँ इवनली स्प्रेड हो पाए। और वार्निश के ड्राई होने के बाद हम यहाँ फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इन्हें स्टिक करेंगे। और इसी के साथ ही हमारा ये कैनवस पेंटिंग कंप्लीट होता है। आप इसे किसी भी कैनवस स्टैंड पर रख सकते हैं, आइजल पर लगा सकते हैं, टेबल डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे वॉल पर हैंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह के हुक्स यूज़ कर सकते हैं। इन हुक्स को बेसिकली आपको इनकी बैक पर स्टिक करना है और स्टिकिंग के लिए बहुत अच्छे एडहेसिव का आपको यूज़ करना है। या फिर आप इस तरह की रोप ले सकते हैं जिसकी एक एंड पर हम नॉट लगा देंगे और इसे हम कैनवस की बैक साइड पर स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ स्टिकिंग के लिए आप फेविकॉल यूज़ करें या पैकेजिंग टेप भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको बहुत अच्छे से स्टिक करना है ताकि ये गिरे ना। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं ये 3M डबल साइडेड टेप, जिसके छोटे पीसेस को हम यहाँ स्टिक कर लेंगे और ये प्रोटेक्टिव लेयर हटाने के बाद आसानी से इसे आप वॉल पर स्टिक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कैनवस बोर्ड बहुत लाइट वेट हैं इसलिए ये बहुत अच्छे से होल्ड कर लेता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और किसी भी क्वेरी के लिए, डाउट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आगे आप मेरे चैनल पर किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे या कौन सा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज MESSEDUPCRAFT। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।